वेलकम टू सी एस ट्यूटोरियल्स। लास्ट के कुछ वीडियोस में हम ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड और सब लिस्ट की। नेस्टेड लिस्ट मीन्स एक लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट का क्रिएट करना या उसकी सब लिस्ट बनाना। जैसे यहाँ मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सब लिस्ट बनाई है डेट इज विंडोज एंड एंड्रॉयड, और विंडोज एंड एंड्रॉयड की एक अलग अलग लिस्ट तैयार की है। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो चलिए इसकी कोडिंग देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल है जहाँ हम अपनी कोडिंग लिखेंगे और वेब ब्राउजर पे इसका रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करते हैं। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ओएल टैग का। इसे करेंगे ओपन और क्लोज। ओएल टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं एलआई टैग का, जो हमारी लिस्ट आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मैं हमारी लिस्ट का पहला आइटम ले रहा हूँ कंप्यूटर। एलआई टैग का यूज़ करके मैं लिस्ट का सेकंड आइटम ले रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। और एलआई टैग को करेंगे क्लोज। वैसे ही लिस्ट का थर्ड आइटम सॉफ्टवेयर, फाइल को करेंगे सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो हमारी लिस्ट एक ऑर्डर में हमको प्रिंट होगी। अब बात करते हैं नेस्टेड और सब लिस्ट की। मींस अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट्स दिखाने हैं या इसकी एक सब लिस्ट दिखानी है तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो एलआई टैग का यूज किया है इसके अंदर हम एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ फिर से ओएल टैग का, और इसके अंदर हम फिर से यूज करेंगे एलआई टैग का, जो हमारी लिस्ट के आइटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ विंडोज। ऐसे ही एलआई टैग का यूज करके लिस्ट का सेकंड आइटम लेंगे एंड्रॉयड। इसके साथ यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का भी यूज कर रहा हूँ। फाइल को करेंगे सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो हमें हमारी एक सब लिस्ट भी शो होगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। इसके साथ अगर हम विंडोज या एंड्रॉयड इसके पार्ट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक अलग से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो इसकी सब लिस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विंडोज से कुछ पार्ट्स दिखाना चाहूँ तो विंडोज के साथ जो एलआई टैग का यूज किया है उसके अंदर एक और लिस्ट टैग का यूज करेंगे। इस बार मैं यूज कर रहा हूँ अनऑर्डर लिस्ट मीन्स यूएल टैग का। इसे करेंगे क्लोज। इसके अंदर हम फिर से यूज करेंगे एलआई टैग का। ऐसे ही एलआई टैग का यूज करके एक सेकंड आइटम लेंगे हमारी लिस्ट का साथ ही मैं यूज करूंगा टाइप एट्रीब्यूट का भी डिस्क। फाइल करेंगे सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो विंडोज की भी एक सब लिस्ट हमको शो होगी, डेट इज विंडो 7 एंड विंडो 10। इसके साथ अगर हम एंड्रॉयड के पार्ट से दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। उसके लिए मैं यूज करूंगा लिस्ट टैग का एंड्रॉयड के बाद। मैं फिर से यहाँ पे यूएल टैग का यूज करूंगा, और इसके अंदर हम यूज करते हैं एलआई टैग का। तो चलिए एंड्रॉयड से कुछ वर्जन ले लेते हैं, किटकैट एंड सेकंड इज ओरियो। साथ ही मैं टाइप एट्रीब्यूट का भी यूज कर रहा हूं स्क्वेयर। फाइल करेंगे सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो हमें एंड्रॉयड की भी एक सब लिस्ट शो होगी। तो ये थी हमारी नेस्टेड लिस्ट, जिसमें हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई,
उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने एक सब लिस्ट बनाई, डेट इज विंडोज एंड एंड्रॉयड, और इनकी भी एक सब लिस्ट बनाई। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस टॉपिक के बारे में कुछ बताना या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और ऐसे टॉपिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।